Hey guys, what's up? My name is Ketan and welcome back to my channel. आज हम लोग एक chest workout shoot करेंगे. मैं आप लोगों को अपना chest workout दिखाऊंगा and I am training with a friend of mine जो कि shoot कर रहा है. नाम बोल दो भाई, तू कोई celebrity थोड़ी हो. अच्छा. If you're watching my videos for the first time, subscribe. And if you're not connected with me on my Instagram, then ये मेरा ID है. मुझे अभी follow करो, मुझे DM करो. मैं सबसे बातें करता हूँ उधर में. इसी के लिए इसका video नहीं चलता. जो चोदी करता है ना लास्ट में आदमी, इसलिए इसको अनसब्सक्राइब करके चले आता है. So guys, I just completed my warm up and as you all know, I am leaving on the 29th of this month for a trek. अगर आपने इसका प्रीवियस व्लॉग नहीं देखा, आई वॉज ट्रेनिंग फॉर ट्रेक इन दैट व्लॉग. सो अगर आपने वो नहीं देखा, अभी जाके देखिए. आज मंडे है, तो मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आई हैव 4 days टू ट्रेन. सो दिस इज द रीजन व्हाई आई एम नॉट डूइंग अ पुश पुल लेग स्प्लिट इन माय लास्ट वीक. आज मैं चेस्ट करूंगा, कल मैं लेग्स करूंगा, परसों मैं बैक करूंगा एंड उसके बाद मैं शोल्डर्स एंड आर्म्स मार के 29th को यहाँ से फक ऑफ हो जाऊंगा. तुम जितना मारोगे दो रेप जाता चलो. चाहते तो 20 भी मार सकते थे. तुम पे रैम खाली है, तुम पे रैम खाली है. मारे और दो ज्यादा बताओ. इसलिए बोलते खैनी वही नहीं खाया करो. नहीं देखो, पावर आता है खैनी खा लेते. देखो देखो देखो, बच्चा लोग तो छोटा प्लेट लेके आ रहा है. देख रहे हो, देख लो, आप लोग खुद देख लो. हम आप लोग को मसल बिल्ड कराना सिखाते हैं, ऐसा खैनी खाना सिखा रहा है. साढ़े यार, हम देखो फिर से बता रहे, 1,500 इंस्टाग्राम फॉलोअर, 1.04K यूट्यूब सब्सक्राइबर्स. इसे इतना पैथोलॉजी करते, इसलिए तुम लीन नहीं जा रहे. अभी क्या, अभी हम लोग मारेंगे इंक्लाइन मशीन. चलो भाई साहब को डंबल नहीं पसंद है. भाई डंबल नहीं अच्छा लगता है, डंबल में मजा नहीं आता है. 20 केजी से स्टार्ट करेंगे. देखो क्या दिन आ गया, हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका भाई मेरे को रिकॉर्ड कर रहा है और ये मारा रहा जिम में. खाली बकचोदी कर रहा साला, वर्कआउट तो कर नहीं रहा, बकचोदी कर रहा खाली. तब से अभी क्या करोगे? अभी करेंगे हम लोग फ्लाई, केवल फ्लाई. और तुम कितना भी कुछ कर लो, तुम्हारा मेरे ऐसा चेस्ट कभी नहीं बनेगा. तुमको हम इसीलिए लिए वीडियो में. देखो तुम साला बेइज्जती करोगे मेरा. देख रहे हो, देखो चेस्ट कभी बनेगा तुम्हारा ऐसा? देख रहे हो, देखो. चलो 20 और मारोगे. चलो हो गया, इसका फटना शुरू हो गया. ये बनाएगा मेरे ऐसा चेस्ट. इतना मार मारेंगे ना बच्चा लड़का लोग, अपने आप को क्या समझने लगता है ना. नहीं होगा, नहीं होगा, इससे समझ जाओ, इससे नहीं होने वाला. मेरा बाप उनको एक बात बोला था, बच्चा देखो चूतिया का दो रोटी दे दो, बुद्धि मत दो. कहे कि रोटी दोगे उसका फायदा आएगा, बुद्धि दोगे वो नहीं समझेगा. बताओ, देखो आप दिखाएगा अपना चेस्ट. ओ चेस्ट रिवील. देखो इतना टाइट हो गया है, बॉडी वॉडी इतना बड़ा हो गया. देखो देखो देखो, सही है तो जंगली बन के देखो इसको. देखो सही है तो अनिल कपूर से कम नहीं लग रहे हो तुम, पता है? मेन फिजिक का पोजिंग दे रहा है. खेले हो कभी मेन फिजिक? देखो देखो देखो, चेस्ट वाला दिन में बैक करे, अदर एब्स करने लगा. मतलब मतलब बंदा नेक्स्ट मूव किसी को नहीं पता. देखो एक लॉ है, अगर तुमको मसल बढ़ाना है तो शॉक योर मसल, और तुम बकचोदी कम करो, तुम सेट पे जाओ अपना. चलो स्क्वीज एज हार्ड एज यू कैन. दैट वाज शी सेड. You won't left behind and I've lost everything.
dark. I feel so alive, still remembering what I want, but it ends with you. Candlelight has gone out, some will win and some will lose. Nothing much else to say. चलो तुम्हारे जिक्र अगर वर्ल्ड कप करता था मैं ऐसा सकल ना होने जिम छोड़ो तुमसे ना आते शाबाश कैप्टन शाबाश फिशमैन है तुम्हारा चूतिया भाई चलो चलिए अब इतना मैं हक दे रहा देखो इसको घर में खाना नहीं भाई एक्चुअली हम दिन में 3 बार हिलाते हैं इसीलिए वर्कआउट में हमको एनर्जी थोड़ा कम देखा हम बोले थे लड़का ये विश्वास मत करो कि तुमको कोई टिप्स विप्स नहीं देगा कि बस हिलाने सिखा रहा तुमको सकल देखो इसका भाई देखो हिला के पतला हिला हिला के ऐसा बॉडी बना लिया है अब चॉइस आपके ऊपर है बस भाई बस दिख रहा है चेस्ट का चेस्ट बहुत बढ़िया है बाकी सब में मेरे से जूनियर है लेकिन इसका चेस्ट एंड शोल्डर बहुत बढ़िया है कैसा वर्कआउट हो रहा आकाश मस्त वर्कआउट हो रहा पंप देख सकते हो तुम आर्नर बन जाएंगे आर्नर सब प्रोफेसर का कमाल है प्रोफेसर का साथ वर्कआउट कर रहे चलो पैसा निकालो पैसा दो तुमको ट्रेनिंग दे रहे हैं साले चेस्ट का सबसे अच्छा फिनिशर डिप्स मारो फाड़ के नो वेट कुछ नहीं एक मारो 50 मारो लेकिन मारो फेलियर तक डिप्स मारो बस देखो क्या बहुत ज़्यादा हाथ दूर रखना पड़ता है नहीं नहीं अच्छा जूमिंग था बकचोदी देखो तुम ब्लॉगर बोलते हो अपने तो हम लोग का वर्कआउट हो गया ख़त्म अब हम लोग तो अरेस्ट करेंगे क्या करोगे मामा करोगे क्या ऐसा लेट फाट गए हो तुम तो स्ट्रेचिंग करना है अभी चलो स्ट्रेचिंग वेचिंग तो करते नहीं हो कभी यू मेक मी फील लाइक होम You turn around, I feel the breeze over me. You watch your dreams unfold. Let it come around and let it breathe over me. Can you suggest me some exercises to reduce belly fat and overall weight? Bhai, dekho ye diet fight sab कुछ नहीं होगा ये सब करके यहाँ से सीधा पैंट उतारो बाथरूम जाओ और एक दिन में 3 बार मुठिया पहलो ऐसे ऐसे पेट अंदर घुसेगा ऐसे ऐसे तुम बनोगे यूट्यूबर तुम बताओ पहले और पूछो तो हम मंडे मोटिवेशन के नहीं है भाई हमको तो उठने का मन ही नहीं करता हम तो चाहते मंडे कभी आए नहीं हम तो चाहते वीक में 3 ही दिन हो फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे आता क्यों बेचारे लोग को सही से जवाब दो कि मंडे कौन मोटिवेटेड रहता है भाई हमको बात बता दो कौन किस में मोटिवेशन है मंडे को ते गेस करो मेरा बॉडी वेट कितना होगा तुम्हारा बॉडी वेट होगा 76 77 74 वेरी नाइस कैन यू बिल्ड मसल ऑन कैलोरिक डेफिसिट और कैलोरिक मेंटेनेंस हाँ आप सीरियसली आंसर देते हैं इसका मैं आपको 2 सिनेरियो देता हूँ या तो आप मेरे जैसे बहुत एक्सपीरियंस्ड हो या फिर आप एक बिगिनर हो इसके जैसे तो अगर आप मेरे जैसे या इसके जैसे एक एडवांस्ड हो तो आप कैलोरिक डेफिसिट में रहकर आप मसल बिल्ड नहीं कर सकते क्योंकि उस टाइम कैलोरिक डेफिसिट में रहने का पॉइंट ये होता है फैट को गलाना एंड मसल को प्रिजर्व करना इफ यू आर समवन हु इज रियली ओबीस जो आपने जस्ट स्टार्ट किया है स्टे ऑन अ कैलोरिक डेफिसिट हिट द जिम यू विल बिल्ड मसल एंड यू विल लूज फैट एट द सेम टाइम ब्रो स्टेरॉइड्स लिया है आज तक क्योंकि मैंने आपकी फोटो दिखाई ट्रेनर को उसने बोला साइकिल किया हुआ है ये सबसे गलत फहमी है सब सारे बच्चे लोगों को ये बोला जाता है कि यार अच्छा फिजिक है मतलब साइकिल किया हुआ है यार हम दोनों से पूछ लो हम लोग पूरा साल मेहनत करते हैं और ये बहुत गलत बात है कि आप ट्रेनर को बता यार क्या बोलो ना तुम साले ऐसे मजाक करोगे क्या बच्चा यूथ लोग को ये कर रहा है भाई देखो पहला बात तो कोई ट्रेनर पे आपको बिलीव करना नहीं चाहिए क्योंकि इंडिया में जितने ट्रेनर्स होते हैं 90% ऑफ देम
सिर्फ उनकी बॉडी होती है, बॉडी देख के पहचानना कौन स्टेरॉइड लिया है कौन नहीं, यू नीड टू हैव एक्सपीरियंस इन दैट। जैसे मैं देख के बता देता हूँ कौन स्टेरॉइड लिया है कौन नहीं लिया है, लेकिन इवन इन दैट सर्कमस्टांसेस आप 100% श्योर होकर नहीं बता सकते हो, क्योंकि आपको उस पर्सन की हिस्ट्री जाननी पड़ती है, वो डाइट कैसा ले रहा है, कितने सालों से ट्रेनिंग कर रहा है, उसका बॉडी टाइप कैसा है, वो कितना सीरियस है अपने वर्कआउट को लेके, एंड उसका जेनेटिक्स कैसा है, उसका बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड करता है, ये सारी फैक्टर्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और वैसे भी एनाबॉलिक अभी गेम का पार्ट है, अगर हम लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते नेशनल लेवल पे तब हम लोग ले सकते थे, क्योंकि वो लोग सब लेकर ही उतरते। अगर तुम 16 साल के 17 साल के हो तो तुम पहले एक नेचुरल फिजिक ऐसा अचीव कर सकते जो मेरे पास है इसके पास है, उसके बाद अगर तुम्हें नेशनल खेलना तो तुम्हें लेना पड़ेगा। जो भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग खेलता है, कंपटीशन खेलता है, 100% स्टेरॉइड लेता है, अगर वो बंदा बोलता है कि वो स्टेरॉइड नहीं लेता नेचुरली खेलता है, उसको बोलो सक माय डिक।